हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज एन ऑडियो बुक ऑफ द बुक मनोहर पांडे सामान्य ज्ञान 2023, कॉस्ट 145। और इस ऑडियो बुक में हम करेंगे कला एवं स्थापत्य। काम करते टाइम जब आप वीडियो ना देख सकें, किताब से ना पढ़ सकें, इस ऑडियो को सुने। सो लेट्स बिगिन। स्थापत्य एवं मूर्तिकला। स्थापत्य कला के प्रारंभिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। नगर नियोजन, स्नानागार, अन्नागार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सिंधु सभ्यता में मूर्ति निर्माण कला की भी काफ़ी उन्नत अवस्था में दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा सिंधु कला का बेजोड़ नमूना है। मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना अशोक द्वारा निर्मित एकाश्म स्तंभ है। मौर्यकालीन लोक कला दीदारगंज की चामर्द यक्षिणी, बेसनर की यक्षिणी तथा परखम मथुरा की यक्ष की मूर्ति में देखने को मिलती है। राजकीय कला का प्रथम उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है। मौर्य काल में ही एक नई शैली चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। स्तूप मौर्यकालीन वास्तुकला की महत्वपूर्ण देन है। अशोक ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया था। सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष स्तंभ, जिसमें चार सिंह पीठ सटाए बैठे हैं तथा एक नीचे चक्र बना है, इसे भारत सरकार ने राजकीय चिन्ह बनाया है। मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला का व्यापक विकास हुआ तथा बौद्ध जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। यूनानियों के प्रभाव से मूर्तिकला की एक नवीन शैली गांधार शैली का जन्म हुआ। यूनानियों के प्रभाव से मूर्तिकला की एक नवीन शैली गांधार शैली का जन्म हुआ। गांधार कला भारत में ईस्ट पूर्वी प्रथम शताब्दी के मध्य कुषाण काल में विकसित हुई। गांधार शैली तथा मथुरा शैली में बुद्ध सहित अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों की स्थापना ऊंचे चबूतरों पर की गई है। उत्तर गुप्तकालीन मंदिरों में ईंटों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पल्लव स्थापत्य कला की दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार बनी। सप्त पैगोड़ा का निर्माण पल्लव काल में ही हुआ था। चालुक्यों द्वारा पर्वत गुफाओं को काटकर मंदिर बनवाए गए। भारत में मंदिर निर्माण की तीन प्रमुख शैलियां नागर, द्रविड़ एवं बेसर शैली प्रचलित है। चोलकालीन मूर्तिकला में नटराज शिव की कांस्य मूर्ति विश्वविख्यात है। सल्तनतकालीन स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ये खुले स्थान का प्रयोग करते थे और अपने भवनों में मेहराब एवं गुंबद प्रयोग करते थे, मीनारों का निर्माण करते थे। बलबन के मकबरे में पहली बार वैज्ञानिक मेहराब का इस्तेमाल किया गया था। मजबूती के क्षेत्र में तुगलक स्थापत्य की सलामी पद्धति का विशेष महत्व है, जिसके तहत उन्होंने ढाल नुमा दीवारें बनवाई थी। मुस्लिम स्थापत्य में सजाने के लिए जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण लिखावट एवं ज्यामितीय डिजाइनों का अंकन प्रचलित था, जो अरबस्क शैली कहलाती थी। लोदियों के काल में अष्टभुजीय मकबरों के साथ द्विगुंबदीय स्थापत्य का विकास हुआ। शर्की शैली, मालवी शैली, गुजराती शैली, कश्मीरी शैली, बंगाली शैली तथा दक्कनी शैली स्थापत्य कला की प्रमुख प्रांतीय शैलियाँ थीं। मुगलों द्वारा अनेकों मध्य एशियाई विशिष्टताओं को, जैसे गुंबद, ऊंची ऊंची मीनार, मेहराब एवं डाट आदि का आधिकारिक प्रयोग किया गया। अकबर के शासनकाल में हुमायूं के मकबरे का निर्माण फारसी शिल्पकला के आधार पर हुआ। विजयनगर कालीन कला के अंतर्गत कई मंदिरों का निर्माण हम्पी में हुआ। मंदिर निर्माण शैली नागर शैली, विशेषता चतुर्भुजाकार भवन। नमूने हैं इसके सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू। द्रविड़ शैली, विशेषता गोलाकार भवन। नमूने कैलाश मंदिर कांची, रथ मंदिर मामल्लपुरम, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। बेसर शैली, विशेषता आयताकार भवन। नमूने कैलाश मंदिर एल्लोरा, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी। चित्रकला। वात्स्यायन के कामसूत्र ग्रंथ में चित्रकला को 64 कलाओं में चौथा स्थान दिया गया है। चित्रकारी के प्रारंभिक साक्ष्य पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य जैन शैली का उद्भव एवं विकास हुआ, जिसका प्रथम प्रमाण सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त होता है।
अपभ्रंश शैली के चित्रों का निर्माण 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ताड़पत्र, कपड़े एवं कागज पर हुआ। गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय आनंद कुमारी स्वामी को है। दक्कन शैली का प्रधान केंद्र बीजापुर था, जिसे बीजापुर के अली आदिल शाह तथा इब्राहिम शाह ने संरक्षण दिया। मुगल चित्रकला शैली भारतीय और फारसी चित्रकलाओं का संगम थी। जहांगीर के काल में चित्रकला शैली अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। राजस्थान की किशनगढ़ शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अवनींद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में चित्रकला के क्षेत्र में एक नई क्रांति हुई, जिसे नव्य कला आंदोलन कहा जाता है। अजंता, एलोरा, बाघ, एलिफेंटा, बादामी, भीमबेटका, आदमगढ़ आदि की गुफाएं प्राचीन भारतीय चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं। संगीत। सामवेद को संगीत की प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। आधुनिक संदर्भ के शुद्ध गायन संबंधी ग्रंथों में लोचन कवि की राग तरंगिणी और सारंग देव का संगीत रत्नाकर संगीत के आदि ग्रंथ हैं। वर्तमान में भारतीय संगीत को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक। हिंदुस्तानी पद्धति में स्वर की विकृति अवस्था प्रायः शुद्ध स्वर से पहले मानी जाती है, वहीं कर्नाटक शैली में शुद्ध स्वर पहले माने जाते हैं और उसके बाद विकृत स्वर आरंभ होते हैं। हिंदुस्तानी शैली की तुलना में कर्नाटक शैली में तालों का वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक है। भारतीय संगीत के इतिहास में राग का उल्लेख सर्वप्रथम मतंग मुनि के ग्रंथ बृहदेदेशी में किया गया है। द्रुपद भास्त की प्राचीनतम गायन शैली है, जिसका प्रचार उत्तर भारत में 15वीं एवं 16वीं सदी में हुआ। द्रुपद भारत की प्राचीनतम गायन शैली है, जिसका प्रचार उत्तर भारत में 15वीं एवं 16वीं सदी में हुआ। ख्याल स्वर प्रधान गायन शैली है। प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो को ख्याल का जनक माना जाता है। 19वीं सदी में नवाब वाजिद अली शाह के काल में ठुमरी गायन शैली अत्यधिक लोकप्रिय हुई। तराना एक कर्कश प्राकृतिक राग है। इस शैली का प्रारंभ अमीर खुसरो ने किया था। गजलों का जनक मिर्जा गालिब को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को अत्यंत लोकप्रिय बनाया था। नृत्य। नृत्य का आविर्भाव संभवतः प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। भारतीय नृत्य पर सबसे पुरानी पुस्तक नाट्यशास्त्र है, जो भरत द्वारा लिखी गई है। प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का प्रतिपादन दक्षिण भारत की देवदासियों ने किया था। इसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित माना जाता है। इस नृत्य का विकास मुख्यतया तमिलनाडु में हुआ। इस नृत्य शैली में हाथ, पैर, मुंह एवं शरीर को हिलाने के 64 नियम हैं। मृदंगम, घटम, सारंगी, बांसुरी एवं मंजीरा इस नृत्य के समय बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। मणिपुरी। यह मणिपुर राज्य का नृत्य है। यह एक धार्मिक नृत्य है, जो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उत्तेजक नहीं होता है। नर्तक रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। इसमें ढोल अर्थात पुंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथक। कथक शब्द का उद्भव कथा से हुआ है, जिसका अर्थ है कहानी। इस नृत्य शैली का उद्भव एवं विकास ब्रज भूमि की रासलीला से माना जाता है। पदचालन, चक्कर खाते हुए चलना तथा शरीर के चकोर आकार में घूमने के बाद अचानक निश्चल हो जाना इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। इसमें द्रुपद, तराना, ठुमरी एवं गजलें शामिल होती है। कथकली यह केरल का अति परिष्कृत एवं परिभाषित नृत्य है। इस नृत्य में भाव भंगिमाओं का बहुत महत्व है। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत एवं हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। इसमें देवताओं एवं राक्षसों के विभिन्न रूपों को दर्शाने के लिए मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। ओडिसी यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इस शैली में नृत्यांगना मूर्ति के समान भाव भंगिनाएं प्रस्तुत करती है। इसे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित माना जाता है। इसकी त्रिभंग शैली विख्यात है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसका उद्भव आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम नामक गांव में हुआ था। इसमें लय और तांडव नृत्य का भी समावेश होता है।
इसकी गति तेज एवं शैली मुक्त होती है। यह मुख्यतः पुरुषों का नृत्य है। मोहिनी अट्टम, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो देवदासी परंपरा के प्रचलित एकल नृत्य शैली है। इसका प्रथम उल्लेख 16वीं शताब्दी के माजहामंगलम नारायण नंबूदरी द्वारा रचित व्यवहार माला में प्राप्त होता है। यह भरतनाट्यम एवं कथकली से समानता प्रदर्शित करता है। सत्रिया, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसको प्रतिपादित करने का श्रेय असम के प्रसिद्ध वैष्णव संत शंकरदेव को जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के जुड़े नर्तक एवं नर्तकी, भरतनाट्यम अरुणडेल यामिनी कृष्णमूर्ति रुक्मिणी देवी एस के सरोज टी बाला सरस्वती सोनल मानसिंह ई कृष्ण अय्यर राम गोपाल लीला सैमसन पद्मा सुब्रमण्यम स्वप्न सुंदरी मृणालिनी सारा भाई वैजयंती बाली कोमला वर्धन। कथकली, वल्लतोल नारायण मेनन राम गोपाल मृणाली सारा भाई शांता राव उदय शंकर आनंद शिवरामन कृष्ण कुट्टी। कथक, लच्छु महाराज अच्छन महाराज सुखदेव महाराज शंभू महाराज नारायण प्रसाद जयलाल दमयंती जोशी सीतारा देवी चंद्रलेखा भारती गुप्ता शोभना नारायण मालविका सरकार गोपी कृष्ण बिरजू महाराज आदि। कुचिपुड़ी, वेमपत्ति सत्यनारायणन यामिनी कृष्णमूर्ति राधा रेड्डी लक्ष्मी नारायण शास्त्री स्वप्न सुंदरी राजा रेड्डी आदि। ओडिशी, इंद्राणी रहमान काली इंद्र कालीचरण पटनायक संयुक्ता पाणिग्रही माधवी मुदगल आदि। मणिपुरी, रीता देवी सविता मेहता थाम्बल यामा सिंहजीत सिंह झावेरी बहने कलावती देवी निर्मला मेहता बिंबावती देवी आदि। मोहिनी अट्टम, तारा निडुगाड़ी तंकमणि के कल्याणी अम्मा भारती शिवाजी श्रीदेवी सेशन मजूमदार रागिनी देवी आदि। नाट्यकला, नाट्यकला का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में नाटक के विकास के चिन्ह पाए जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कर उसे शास्त्रीय रूप दिया। भारतीय रंगमंच कला पर यूनानी प्रभाव भी पड़ा। उदाहरण के लिए पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग पाश्चात्य रंगमंच के प्रभाव में सबसे पहले बंगाल आया। कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है। राजस्थान की कठपुतली काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कठपुतलियों के माध्यम का इस्तेमाल शुरू हुआ था। लोक कला शैलियाँ, रंगोली महाराष्ट्र एवं गुजरात, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, अल्पना पश्चिम बंगाल, कलमकरी एवं मुग्गु आंध्र प्रदेश, मंडाना एवं मेहंदी राजस्थान, फुलकारी हरियाणा, अरिपन या गोदना बिहार, साधिया गुजरात, रंगवल्ली कर्नाटक, कोल्लम तमिलनाडु, एशन उत्तराखंड, कालम केरल, अदूपना हिमाचल प्रदेश। भारत के विभिन्न प्रदेशों के प्रमुख लोक नृत्य उत्तर प्रदेश रासलीला नौटंकी कजरी दिवाली अट्टा थाली झोरा जेता जद्दा छपेली चारी आदि। मध्य प्रदेश चैत रीना पंडवानी छेरिया गोड्डो बिल्मा टपाड़ी हुलको भागोरिया नवरानी आदि। राजस्थान राउफ हिकात पनिहारी बगारिया घपाल शकरिया कठपुतली ख्याल झूलन लीला कामड़ गणगौर तेरा ताली गोपिका लीला घूमर डांडिया आदि। उत्तराखंड कुमाऊ चौफूला जागर चाचरी धोलिया झोरा कजरी। बिहार घुमकुड़िया कीर्तनिया जट जटिन पवारिया सोहराई सामा चकेवा जात्रा जाया बखो बखाहन डंगा छाऊ आदि। झारखंड सरहुल अहंदी कर्मा जदूर डंगा सोहराई पंजाब गिद्दा भांगड़ा डफ धमान आदि। हरियाणा खोड़िया घूमर सांग। छत्तीसगढ़ सुअर कर्मा रहस राउत सरहुलबार नाचा घासिया बाजा पंडवानी नवरानी डागल।
ओडिशा, गरुड़ वाहन, डंडानट, पैका, आया, जदूर, मुदारी, सवारी, छाऊ आदि, गुजरात, छकोलिया, गरबा, पणिहारी, लस्या, रासलीला, डांडिया रास आदि, महाराष्ट्र, गोधली गीत, बोहदा, तमाशा, लावणी, मौनी, गणेश चतुर्थी, लीजम आदि, जम्मू कश्मीर, चाकरी, रऊफ, हिकत, भाखा गीत, दमाली आदि, पश्चिम बंगाल, काठी, गंभीरा, जाया, बाउल, कीर्तन, राम भेसे, कथी, जात्रा आदि, तमिलनाडु, कुम्मी, कावड़ी, कोलाटम, करागम, कावड़ी आदि, कर्नाटक, यक्षगण, वीरगासे, भूतकोला, करगा, कुनीता आदि, केरल, कथकली, पादयानी, थुलाल, टप्पा त्रिकोली, कुड़ियट्टम, कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, जलिरेपट्टयु आदि, हिमाचल प्रदेश, चंबा, छपेली, डांगी, सांगला, डंडनाच, महाथू, जद्दा, जैता, थाली, छरबा आदि, मणिपुर, थागटा की तलम, संकीर्तन, लाई हरीबा नृत्य, बसंत रास, रारवाल, नट रास, महारास, रारवत आदि, मिजोरम, पाखुलिया नृत्य, चेरोकान खरांटम आदि, मेघालय, पावलांग नोंगक्रोम, शाद मीनसीम, वांगला लाहो आदि, नागालैंड, नुरालिम, कुमिनागा, लिम, रेंग मानाग, चोंग, युद्ध नृत्य, खेवा आदि, लक्षद्वीप, परिचाकाली, आंध्र प्रदेश, लंबाड़ी, पतकम्मा, कुम्मी, घंटा, मर्दाला, छड़ी नृत्य, माथुरी आदि, अरुणाचल प्रदेश, मुखोटा, युद्ध आदि, असम, राखल लीला, बिढ़ू ढोल नृत्य, खेल गोपाल, महारास, बोई साजू, तबल चोंगरी, झुमुरा, खेल चौगंबी, होबजानाई, पगुन संबा, नागा नृत्य, मिट्टू नृत्य, बिछुआ आदि, भारत के सांस्कृतिक संस्थान, ललित कला अकादमी 1954 नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 नई दिल्ली, संगीत नाटक अकादमी 1953 नई दिल्ली, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय 1959 नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस 1950 नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1954 नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1957 नई दिल्ली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 संस्कृति मंत्रालय के अधीन, साहित्य अकादमी 1954, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881 संस्कृत मंत्रालय के अधीन, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945, एशियाटिक समाज 1784 विलियम जोन्स, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1961, रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर उत्तर प्रदेश, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान 1939 कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। ये हमारा पूरा होता है मनोहर पांडे किताब 2023 का कला एवं संस्कृति का भाग। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत। हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ एन ऑडियो बुक ऑफ द बुक मनोहर पांडे सामान्य ज्ञान 2023, कॉस्ट 145। और इस ऑडियो बुक में हम करेंगे कला एवं स्थापत्य। काम करते टाइम जब आप वीडियो ना देख सकें, किताब से ना पढ़ सकें, इस ऑडियो को सुने। सो लेट्स बिगिन। स्थापत्य एवं मूर्तिकला। स्थापत्य कला के प्रारंभिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। नगर नियोजन, स्नानागार, अन्नागार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सिंधु सभ्यता में मूर्ति निर्माण कला की भी काफ़ी उन्नत अवस्था में दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा सिंधु कला का बेजोड़ नमूना है। मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना अशोक द्वारा निर्मित एकाश्म स्तंभ है। मौर्यकालीन लोक कला दीदारगंज
की चामर्द यक्षिणी।